हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी अनफिल्टर्ड एजुकेशन। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 20th मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो आज उन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इन डिटेल उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेम सेक्स मैरिज। आप हाल फिलहाल में ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल हो रही है सेम सेक्स मैरिज को लेके। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये टॉपिक क्या है और इसके अंदर इश्यू क्या है। तो जानते हैं सबसे पहले कि इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ से बनता है हमारे करंट अफेयर्स के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो पिटीशंस आई है उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया है कि आप इसके ऊपर जाँच करिए, आप इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दीजिए। तो यहाँ से ये मुद्दा सामने आता है। अब पॉइंट क्या है, इशू क्या है, पिटीशन क्या है, उसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिटीशन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ दी गई है कि जिसके बारे में इतनी सारी चर्चाएं हो रही है। तो सबसे पहले पिटीशन में ये लोग ये चाहते हैं कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, इसे आप जेंडर न्यूट्रल बना दीजिए। अब स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, तो सिंपल शब्दों में स्पेशल मैरिज एक्ट सिर्फ इतना ही है कि यदि कोई इंसान अपने पर्सनल लॉ में शादी नहीं कर पा रहा है, दो इंसान हैं, दो अलग अलग रिलीजन के हैं, वो शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे समय पे क्या किया जाएगा, ऐसे समय पे स्पेशल मैरिज एक्ट सामने लाया जाएगा कि उनका मैरिज जो है वो इसके अंदर कंसीडर की जाएगी और दोनों का धर्म जो है वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा, दोनों का धर्म किसी भी तरीके से बदल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पिटीशन ये चाहती है कि इसी को, स्पेशल मैरिज एक्ट को ही क्या कर दिया जाए, जेंडर न्यूट्रल कर दिया जाए, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उसे भी इंक्लूड किया जा सके। अब क्या इसके अंदर डेवलपमेंट हुए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। LGBTQ इनके राइट्स के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हाल फिलहाल में, रीसेंट डेवलपमेंट्स की यहाँ पे बात की जाएगी। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नवतेज सिंह जौहर केस 2018, इसके अंदर क्या किया गया, तो इसके अंदर सबसे पहले डीक्रिमिनलाइज किया गया सेक्शन 377। क्या कहता है सेक्शन 377 ऑफ IPC, ये कहता है अगर कोई भी इंसान अननेचुरल ऑफेंस करते पाया गया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने ये चीज़ कही कि ये चीज़ सही नहीं है, हर एक इंसान को अधिकार है, अपनी चॉइस का अधिकार है, तो हम इसे डीक्रिमिनलाइज करते हैं, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं। तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट हुआ कि होमोसेक्सुअल का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, यदि वो किसी से रिलेशनशिप रखते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं, तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ KS पुत्तास्वामी केस 2017। KS पुत्तास्वामी केस में क्या कहा गया, KS पुत्तास्वामी केस के अंदर राइट टू प्राइवेसी को अंडर आर्टिकल 21 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट बताया गया है। तो यहाँ पे इसके अंदर ये भी चीज़ बताई गई कि आपकी पूरी खुद की बॉडी वो भी आपके प्राइवेट स्पीयर में आती है और उसी के साथ साथ आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब आप किसे पसंद करते हैं, आप लड़के को पसंद करते हैं, लड़की को पसंद करते हैं या दोनों को पसंद करते हैं, ये भी आपकी एक प्राइवेट स्पेस है। तो ये यहाँ पे पॉइंट रखा गया है जिसके ऊपर पिटीशन डालते हुए ये कहा कि अब सेम सेक्स मैरिज को भी लीगलाइज कर दिया जाए। सेंटर का क्या कहना है उसको समझते हैं। तो सेंटर का ये कहना है कि जो डेलिकेट बैलेंस है पर्सनल लॉस के बीच में, उसे ये जो है डिस्टर्ब कर देगा, उसे खराब कर देगा। और दूसरी चीज इन्होंने कही, जब हम बात करते हैं कोर्ट के जजमेंट की, तो सेक्शन 377 को सिर्फ डीक्रिमिनलाइज किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सेम सेक्स मैरिज की परमिशन है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही, एक जो इशू यहाँ पे आता है वो ये भी है कि सेंटर के द्वारा जो है इसे कर्टेल किया जा सकता है ऑन दोज पॉइंट कि ये इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे इसे कर्टेल भी किया जा सकता है, इसे भी आपको समझने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं और समझते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में कि क्या क्या है डिजिटल पेमेंट सिस्टम और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्यों हमारे सामने ये चीज़ आई है, क्योंकि जनवरी में लगभग 800 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए जो कि किसके ऊपर हुए, UPI के ऊपर, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके ऊपर ये सारी चर्चाएँ हुई थी। चलिए समझते हैं कि क्या होता है डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट का मतलब ये हो गया कि ट्रांसफर करना पेमेंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। अब हर एक के अंदर यही होता है, पेमेंट के अंदर यही होता है कि पेमेंट ट्रांसफर होता है एक इंसान से दूसरे इंसान पे। बट यहाँ पे हम डिवाइसेस कौन सी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं डिजिटल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स, पॉइंट ऑफ सेल्स और कंप्यूटर।
जब हम इसका इस्तेमाल करके पेमेंट को ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम डिजिटल पेमेंट के अंदर कंसीडर करेंगे। इस चीज़ का आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि मोड्स ऑफ पेमेंट कितने हैं, मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट कितने हैं। तो सबसे पहले UPI, फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ UPI पेमेंट, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र। इसी से मिलता जुलता एक है गवर्नमेंट का, दैट इज़ भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। फिर आता है UPI 123 पे। जब हम UPI 123 पे की बात करते हैं तो हम लोगों के पास तो स्मार्टफोन है, बट कई लोग हैं जिनके पास फीचर फ़ोन है, मतलब सिंपल वाला फ़ोन है, तो वो किस तरीके से करेंगे, तो वो डायल करके भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आती है बात UPI लाइट की, तो UPI लाइट जो है वो भी सिमिलर फॉर्मूला पे काम करता है, यहाँ पे भी इसी तरीके से जो है पेमेंट किया जा सकता है। फिर आपको कार्ड्स तो मालूम होगा कि कार्ड से पेमेंट कैसे होता है। फिर आता है इमीडिएट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस, दैट इज़ यहाँ पे इमीडिएटली आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लास्ट आधार का इस्तेमाल करके भी आप जो है पेमेंट अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो आपका आधार कार्ड है, आधार नंबर है, उसका इस्तेमाल करते हुए भी पेमेंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आगे चलते हैं और समझते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। पहली चीज़ तो कंज्यूमर हु ट्रांसफर्स, ठीक है। फिर दूसरा आता है मर्चेंट हु टेक्स द पेमेंट, राइट। देन आता है एक्वायरर, जो बैंक जिसने रिसीव किया है। ठीक है, इशुअर बैंक दैट गेव मनी, राइट। फिर आता है इन सारी चीजों के बीच में एक लिंक बिठाने वाला, दैट इज लिंक, वो क्या हो गया, वीजा और मास्टर कार्ड। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, ये ऊपर के जो चारों हैं इनके बीच में एक लिंक बिठाता है ताकि पेमेंट कंप्लीट हो सके। आगे चलते हैं और समझते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला तो ये हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बनाता है। छुट्टे की कोई टेंशन नहीं, जैसे चाहो वैसे पैसे ट्रांसफ़र करो, 10 रुपये करने हैं तो 10 रुपये, 11 रुपये करने हो तो 11 रुपये। आपको जान के हैरानी होगी, ये जैसे ही UPI इतना बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट होने लगा तो ये जो कैंडीज़ वाले हैं इनका धंधा थोड़ा कम हो गया, क्योंकि पहले दुकानदार क्या किया करते थे, जो भी उनको देना होता था, छुट्टे देने होते थे, उसके बदले चॉकलेट्स दे दिया करते थे, बट अब वो चीज़ कम हो गई। फिर बात आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन, हम हर एक इंसान को जोड़ना चाहते हैं इकोनॉमी के अंदर, हर एक इंसान तक पहुंचना चाहते हैं और उसे बेहतर तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। नाउ थर्ड, बिहेवियरल शिफ्ट, क्या चाहते हैं हम अल्टीमेटली, कि कैश ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, कैश ट्रांजेक्शन इतना ज़्यादा ना रहे, लिमिटेड कैश ट्रांजेक्शन हो, जिसकी वजह से क्या होगा, सारी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक के अंदर आएगी, किसके, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट हर एक चीज़ पे निगरानी रख पाएगी। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। अगली हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ रेनफॉल, और डिक्लाइन ऑफ रेनफॉल के बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि ये हर एक चीज़ से रिलेटेड है। हर एक चीज़ से किस तरीके से, कि डिक्लाइन ऑफ रेनफॉल की वजह से आपके इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ता है, आपके फॉरेन रिलेशंस पे भी प्रभाव पड़ता है, हर एक चीज़ जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। चलिए समझते हैं कि यह क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर रिपोर्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिस्टर्बिंग द रेनफॉल द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन, मतलब हम लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोग रेनफॉल को, रेनफॉल के पैटर्न को चेंज कर रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानी हम फेस कर सकते हैं। बहरहाल हम ये जानते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट है यहाँ पे और क्या क्या फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की। सबसे पहले तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है हम फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा कम कर रहे हैं, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, वो दिक्कत है। दूसरी, इसकी वजह से हर एक चीज़ पे रिस्क है, हमारे फूड सिक्योरिटी पे, ऑब्वियसली बात है, अगर बारिश नहीं गिरेगी तो हमारी फूड सिक्योरिटी में तो इशू आने ही वाला है, हमारी पावर के अंदर इशू आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर इशू आने वाला है, क्लाइमेट चेंज होगा तो बाकी सारी चीज़ों में इशू होगा। अब बात आती है पॉलिटिकल और सोसाइटी का एंगल पे, पॉलिटिकल और सोसाइटी के एंगल में हम इसे डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी।
जिस देश के अंदर पीने का पानी भी ढंग से ना हो तो आप बताइए क्या वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि बहुत लोगों ने तो ये भी प्रिडिक्ट किया है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो होने वाली है वो पानी के बेसिस पे होने वाली है। डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन, ऑब्वियसली आप कुछ समझिए कि अगर आपको पीने का पानी भी ना मिले ढंग से तो आप वैसी जगह रहेंगे या दूसरी जगह जाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आप दूसरी जगह चले जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कम्स कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन जो है बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है हमारे यहाँ पे, क्योंकि आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो कोस्टल इरोजन हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर हम इसे ध्यान से टेकल ना करें। तो क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कोस्टल इरोजन में, उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है डेटा क्या कहती है, फ्रॉम दी नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ये चीज़ कहते हैं कि 74 विलेजेस जो हैं, 74 विलेजेस कहाँ के, उड़ीसा के, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं किससे, शोरलाइन इरोजन से। और आप ये चीज़ देख पाएंगे कि ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो कितनी परेशानी हो सकती है वहाँ पे, बहुत बड़ी दिक्कत है और इस दिक्कत को हमें रोकना पड़ेगा। क्या होता है कोस्टल इरोजन, जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए मैं एक डेफिनेशन लेके आया हूँ। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को बेस से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कोस्टल इरोजन इज द टेम्पररी और परमानेंट लॉस ऑफ लैंड ओनिंग टू द एक्शन ऑफ वेव्स, करंट्स, टाइड्स, वाटरबोर्न आइस और अदर इफेक्ट ऑफ द स्टॉर्म। इसमें सारी चीज़ें आ गई, सिर्फ एक नहीं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। परमानेंट लॉस ऑफ लैंड को हम क्या कहते हैं, कोस्टल इरोजन, जो कोस्टल एरिया के इर्द गिर्द होती है। चलिए समझते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़ तो वेव खुद वहाँ पे जो है हटाती है, सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश करती है। नेचुरल हजार्ड, किसी तरीके से अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई या कोई और चीज़ आ गई। और फिर रहा क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें जो है परेशानी क्रिएट करती हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड कॉजेज क्या है, पहली चीज़ माइनिंग एक्टिविटीज़, और दूसरा जो हम डैम्स क्रिएट करते हैं वो ऐसे इशू क्रिएट करता है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डन। नेक्स्ट, इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ स्मॉल आइलैंड, स्मॉल आइलैंड जो है वो गायब हो जाएंगे, आपको दिखेंगे ही नहीं, कहाँ गए स्मॉल आइलैंड इस चीज़ की आपको जानकारी ही नहीं मिलेगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जो आपको कोस्टल रीजन के अंदर फ्लोरा और फौना देखने के लिए मिलता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। चौथा, तीसरा, लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, और इसी के साथ साथ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट होगा, अगर एग्रीकल्चरल लैंड का लॉस होगा तो आपकी इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कमाने के लिए संसाधन नहीं है। उसी के साथ साथ आपके फूड सिक्योरिटी पे भी जो है इशू आएगा। इन्वेजन ऑफ सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर जो है वो कहाँ रहना चाहिए, समुद्र में, बट वो अंदर की तरफ आ जाएगा, इनलैंड आ जाएगा। फ्लडिंग ऑफ द एरिया, एरिया फ्लड होने लगेगा, जहाँ यूजुअली लोग रहा करते थे वहाँ बहुत ज़्यादा आप फ्लड देख पाओगे। स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की कमी हो जाएगी। आप सोचिए इसे कितना खौफनाक लगता है ये सारा चीज़, पर ये रियलिटी के अंदर हो सकता है अगर हमने टाइमली स्टेप्स नहीं लिए तो। अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि एज ए UPSC एस्पिरेंट आपको सोल्यूशन बताना है, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम्स बतानी। तो सोल्यूशन इसका सबसे पहले ये होगा कि आपको ग्रीन बेल्ट जो है वो इम्प्रूव करना है। जब आप ग्रीन बेल्ट इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी, इरोजन कम होगा। सेकंड, इम्प्रूव कोस्टल हैबिटेट्स, जो कोस्टल हैबिटेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली नेचुरली हेल्प करती हैं इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने में। जैसे एक तो हो गया मैनग्रूव्स, दूसरा हो गया कोरल रीफ्स और तीसरा हो गया लगूनस, ये सारी चीज़ें जो है मदद करती हैं किसके लिए, इस तरीके की इरोजन को रिड्यूस करने में। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।